స్తుతి మహిమా ఈశు ప్రభుజీ जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हमारा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन के लिए मैं आज फिर एक बार आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय उसका 30 और 31 पद पढ़ने के लिए खींचना चाहता हूँ। और इन पदों में हम परमेश्वर जो आशीष मनुष्य को सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा देते हैं, उसके चार दृष्टिकोण से दी हुई बातों को पढ़ते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के आशीषों की चार बातें। और जब इसका प्रारंभ हमने पिछले बार किया, हमने यहाँ इस पद को इस प्रकार से देखा, परंतु उसी की ओर से द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग, दूसरी बात तुम द सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग मसीह यीशु में हो करके लिखा है। नॉट ओनली द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग बट द स्फीयर ऑफ द ब्लेसिंग। और चौथी बात द स्कोप ऑफ दिस ब्लेसिंग लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है यिर्मयाह की किताब 9:24 में लिखा है, वैसा ही हो, क्या हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये अपने समस्याओं के बीच में हमारा ध्यान हमारे सुसमाचार के आशीषों के ऊपर, जो कोई उन पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करता है, कौन से आशीष है उनके जीवन में परमेश्वर ने दी है, इसकी ओर लिया जाता है। ये कितना जरूरी है कि समस्याओं से
हम परेशान होकर नीचे दबोचे न जाए, इसलिए हमारा ध्यान प्रभु की ओर सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा मिलने वाली आशीषों की ओर हमेशा रहे, ताकि समस्या तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी, दुख संकट पीड़ा और परिस्थिति तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण इनका कोई नुकसान ठेच हमें नहीं पहुंच सकता है। यही बात प्रेरित पौलुस उनसे कह रहे कि इतनी फूट की बातें, रगड़े झगड़े की बातें, सिद्धांत और उसकी गलत फहमी की बातें उनके बीच में हो रही थी, सुधार तो करना है और उनको सही शिक्षा भी देना है, ऐसे माहौल में उनका ध्यान प्रभु की ओर सुसमाचार की ओर और मिलने वाले आशीषों की ओर चार दृष्टिकोण से प्रेरित पौलुस यहां पर बताते हुए हम देखते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऑफ होम, किसकी ओर से लिखा है, उसी की ओर से, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम किस में, मसीह यीशु में क्या क्या है, उन सारी बातों का वर्णन लिखा है, ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि हम सच में प्रभु को जानने के विषय में, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है इसके आधार पर प्रभु में घमंड कर सके। जैसे पिछली बार देखा, याद रखना, ना हमारे बुद्धि के ऊपर, ना हमारे बल के ऊपर, ना हमारे धन के ऊपर, हाँ, ये सारी बातें हमें प्रभु से दूर करके लेकर जाती। आज इन बातों के कारण कितने लोग प्रभु के आनंद को खो बैठे, आशीष को खो बैठे। आज मैं आपका ध्यान ना केवल उस पहली बात को जो पिछली बार हमने देखा, सारे आशीष का स्रोत ये उसी की ओर से, प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से है, और वो हमारे लिए एक आशा का धन्य स्थान है, वो कभी हमारे लिए खत्म नहीं होता है। आप जितना प्रभु से लिपटे रहोगे, प्रभु आशीष का स्रोत आपके जीवन में उंडेलता रहेगा। हमारा घमंड प्रभु में हो, ना हमारे बुद्धि के ऊपर, ना हमारे वीरता के ऊपर, बल के ऊपर, ना हमारे धन के ऊपर, ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन प्रभु एक जैसा रहता है। कभी आपने इस बारे में सोचा, हमारे जीवन की आप किसी भी समस्या को ले, किसी भी परेशानी को ले, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी दो बातों के कारण आती है। कौन सी? एक, हमारे जीवन में आने वाले लोग, दो, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति। आप देखना, आने वाले लोग और आने वाली परिस्थिति, ये क्या होता है, ये लोग बदलते हैं, इसका असर हमारे ऊपर होता है, ये परिस्थिति बदलती है, इसका असर हमारे ऊपर होता है, ये बदलने वाले लोग और बदलने वाली परिस्थिति हमारे जीवन में परिणाम करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें नीचे गिराते हैं, हमें बहुत दुख तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन जब ये लोग बदलते हैं, कल वो हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं, कल हमें अनुकूल थे, आज हमें प्रतिकूल है, कल हमारे बारे में अच्छी बात कर रहे थे, आज हमारे बारे में गलत बात कर रहे, कल हमारी परिस्थिति अच्छी थी और आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, कल अनुकूल थी, आज प्रतिकूल है। परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं बदलती रहती है और परेशानी होती रहती है। ऐसी बातों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर, प्रभु के सुसमाचार के द्वारा मिले हुए आशीष के स्रोत की ओर, प्रभु के द्वारा उसके सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाले आशीषों की ओर लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यह इसलिए क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं कभी बदलता नहीं, मैं वही परमेश्वर हूं जो कभी बदलता नहीं, कल, आज और युग युग एक जैसा होता है। लोग बदले, परिस्थिति बदले, परिस्थिति बदले, लोग बदले, ऐसे अवसर पर आपका मेरा ध्यान कभी न बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर, जो सुसमाचार के विश्वास के द्वारा आशीष हमारे जीवन में लाता है, उसकी ओर लगी रहे। यह प्रेरित पौलुस का कहना कुरिन्थियों के विश्वासी के लिए कितना जरूरी था। आप सोच सकते हैं, ये पहले 16 अध्याय कुरिन्थियों की पत्री के आप पढ़कर देखिएगा, इतनी परेशानी, क्या है ये मसीह जीवन, क्या है ये मसीह विश्वास, क्या है ये मसीह जीवन के इतने सारे रुकावटों के कारण। ऐसी परिस्थिति में से जाते वक्त आपका मेरा ध्यान सुसमाचार, यीशु मसीह, अनुग्रह और उसके द्वारा मिलने वाले आशीषों की ओर हमेशा लगा
रहे ताकि ये बदलने वाले चीजों का परिणाम हम सह सके और प्रभु जो कभी न बदलने वाला उसकी ओर देखकर आगे बढ़ सके। आज मैं आपका ध्यान दूसरे शब्द की ओर लेना चाहता हूं। नॉट ओनली द सोर्स ऑफ आवर ब्लेसिंग इज ऑफ हिम, हमारे आशीष का स्रोत उसी के द्वारा, ये तो सच है, लेकिन आज दूसरी बात की ओर हम जाएंगे। कौन सा? हमारे जीवन में आशीषों का श्रोता कौन है, आशीषों का उपभोक्ता कौन है, यह किसके लिए है? लिखा है परंतु उसी की ओर से तुम। जब यह तुम शब्द मैं पढ़ता हूं, आप जैसा मुझ जैसा नाचीज इंसान को इतना महान पवित्र परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। जब इस बात को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमारे बारे में हम कितना बोले वो कम रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत पाप में, हमारा जीवन पाप में, हमारा मरना पाप में, और पाप और पाप और पाप के कारण हमारा जाना नरक में, जहां पर हमेशा पीड़ा और संकट हमेशा बना रहेगा। ये प्राण हमारे आत्मा कभी मरता नहीं, ये हमेशा सदाकाल यदि पाप में जीवन बिताया है तो पाप का परिणाम नरक कुंड है। ऐसे परेशानी के जीवन में आगे जाने वाले हम जैसे नाचीज इंसान को, जिसके अंदर कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, हम इस परमेश्वर के आशीष का एक सब्जेक्ट या श्रोत या उपभोक्ता बन सकते हैं। हे कुरिन्थियों, तुम में से बहुत तेरे ऐसे ही थे। हम में कोई कुलीन नहीं है, हम में कोई ज्ञानी नहीं है, हम में कोई धनवान नहीं है, हम में कोई वीर नहीं है। हम जैसे नाचीज इंसान को परमेश्वर ने चुन लिया, अलग किया, उद्धार किया, इसकी ओर वो उनका ध्यान लेकर जाना चाहता है। आज जब हम कलेसिया में इकट्ठे आते हैं तो देखना, ये तुम बोले हुए लोग हमारे साथ में जो बैठे रहते हैं, दाहिनी ओर देखिए, बाई ओर देखिए, और इकट्ठे आने वाले या उद्धार पाए हुए विश्वासियों की ओर, मसीहों की ओर देखना, उनका जीवन कितना कमजोर और लाचार लगता है। ऐसे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आके अपना प्राण सूली पर देकर इस संसार से चले गए, ये लोग है जिनका प्रभु ने उद्धार किया। हाँ, यही लोग है मेरे प्रियो। चाहे हम कितने भी कमजोर, लाचार और किसी योग्यता के भी ना हो, उसी की ओर से तुम, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे लोग, कुरिन्थियों के बारे में या रोमियो की पत्री में मैं आगे पढ़ूं तो लिखा हुआ है, हम जो परमेश्वर से बैर रखने वाले थे, हम जिन्होंने परमेश्वर को पीठ की थी, हम जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले थे, हम जो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे, हम जो पाप के दाग को हमारे जीवन में लेकर चल रहे थे, हम जो अनंत काल के नरक कुंड के लिए रख छोड़े हुए, हम जो परमेश्वर के आशीष में कभी आ नहीं सकते थे, हम जो परमेश्वर के सारे दिए हुए आशीषों से दूर किए हुए, हम जो अन्य जाति के, हम जो परमेश्वर की वाचा से दूर किए हुए, हम जो परमेश्वर के किसी भी आशीष के लिए योग्य न रहने वाले, ऐसे लोगों के लिए आज प्रभु का ध्यान है। चाहे आज आप अपने आप को कितना कमजोर क्यों ना समझे, आज अपने आप को या कितने असमर्थ क्यों ना समझे, आज अपने आप को कितने अयोग्य क्यों ना समझे, मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए मेरे लिए ये प्रभु का आशीष आज इसी वक्त, यदि आप अपने पाप को मानकर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करें तो ये आशीष है, इतनी अनोखी है, अद्भुत है। ये थोड़े समय में कितना अधिक मैं बोलूं, ये तुम करके लिखा हुआ है। अक्सर जब वचन का प्रचार करने के लिए मैं जगह जगह जाता हूं तो लोग कहते हैं, भाई पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें वो पढ़ाइए कि हमारे जीवन में प्रभु ने क्या अधिक ऐसा बदलावट लाना चाहिए, हमें कुछ व्यवहारिक बातों को सिखाइए ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा जीवन बढ़े, हमारे जीवन में आशीषों को अनुभव हम कर पाए, हमारे परिवर्तन दिखाई दे और हमारा जीवन मालामाल हो जाए, ऐसे उपदेशों को पवित्र शास्त्र से बताए। जानते हैं क्या प्रेरित पौलुस यहां पर ये कुरिन्थियों को जब लिखते हैं तो वो कहना चाहते हैं, आप कौन हो ये पहले आप समझ ले, क्योंकि जब आप समझ लेंगे कि आप कौन है, तब अपने आप ये प्रयास करेंगे कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। आज जरूरत क्या है मालूम है? आपको मुझे इन वचनों के आधार पर परमेश्वर सूदी दिलाना चाहते हैं, हम कौन हैं। यदि हमने जान लिया हम कौन हैं, हमें अपनी आप की पहचान हो जाए, हम अपने आप की पहचान पत्र को लेकर चले तो भला होगा,
क्योंकि तभी हम जान सकते हैं कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, और उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, बदलावट दिखाई देगा, और हमारा जीवन प्रभु के महिमा के लिए एक आनंद और आशीष का कारण बन सकता है। आज की जरूरत क्या है, हम कौन है? आज मसीह यीशु में मेरे प्रियो, आप जैसे मुझ जैसे लोगों को प्रभु बुला रहा है, हे बोझ से दबे, हे थके मांदे, हे परमेश्वर से आशीषों से दूर किए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे? क्योंकि यहां लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम। ऐसे लोगों के जीवन में यदि प्रभु काम कर सकता है तो आपके भी, मेरे भी, हम जैसे लोगों को प्रभु बुलाकर अपने आशीष का स्रोत देकर हमें आशीष का श्रोता बनाना चाहता है। चाहे आप कोई भी क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आज प्रभु आपको बुला रहा है। क्या प्रभु को आप अपना जीवन देंगे? क्या प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर आपकी आंखें लगी हुई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इन विचारों के साथ यदि आप प्रभु के पास आए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे, तो प्रभु आपके मेरे जीवन को सच में आज बदलने के लिए तैयार है। प्रभु ऐसा व्यक्ति हमें बनाता है जिसका वर्णन हम इस प्रकार प्रभु के दास के शब्द में कर पाएंगे, हे प्रभु आज मैं जो कुछ हूँ बस तेरे अनुग्रह से ही हूँ। हे प्रभु इन सारी बातों के लिए मैं योग्य नहीं, बल्कि तूने मेरे जीवन में ये सारे आशीषें दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त मुझे याकूब के वो शब्द याद आते हैं, जब वो अपने बाप से भागकर, अपने भाई से भागकर अपने मामा के जगह पर चला गया ताकि वो बच जाए, क्योंकि पिता का गुस्सा और बाप का गुस्सा, इसके कारण उसको केवल मरना काफ़ी था मेरे प्रियो। लेकिन जब वो 20 साल के बाद लौट कर आता है और उसी यार्दन नदी के पास खड़ा होता है, वो याद करता है कि 20 साल पहले क्या, जब वो यहां से वहां भागा था, बाप के घर से मामा के घर में भागा था अपना प्राण बचाने के लिए, तब लिखा है मैं एक लाठी लेकर गया हुआ था। क्या एक लाठी लेकर गया हुआ था? लेकिन अब जब लौट कर आया हुआ है, उसके दो झुंड बने हुए हैं और वो कहता है, हे परमेश्वर इन सारे आशीष और अनुग्रह के लिए मैं लायक नहीं, मैं योग्य नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। जब 20 साल पहले मैं यहां से वहां गया था, मैं एक लाठी लेकर गया था, लेकिन 20 साल के बाद उसी नदी के पास अब मैं पार करके अपने पिता के घर, भाई के पास जाकर मेल मिलाप करना चाहता हूं। तो हे परमेश्वर ये सारे झुंड को देखकर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा आशीष के लिए मैं तेरा सच में स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज शायद आपके जीवन में ऐसी कितनी और कौन सी भी बात क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन इस प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। मैं इन भौतिक आशीषों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने नियम में ये सारे भौतिक आशीषों को बताया हुआ है। हाँ, यदि उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरे है, उनके पास जमीन जायदाद है, उनके पास ये सारी भौतिक बातों को यदि भरपूरी से देखा जाए तो पुराने नियम में इसको आशीष माना जाता है, लेकिन नए नियम के आधार पर ये सारे आशीषें मसीह यीशु में आत्मिक आशीष करके कहलाए हुए। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसी गलतफहमी में आज अपना जीवन बिता रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये सारी भौतिक बातें हमारे पास है, इसलिए परमेश्वर शायद हम गलत जो जीवन जी रहे इससे संतुष्ट है, और गलतफहमी में रहकर अपने इन सारी बातों में वो लगातार आगे बढ़ते हैं। Material blessings are no guarantee of our spiritual relationship. That is not depending upon our material prosperity. मेरे प्रियो, materially या भौतिक चीजों के द्वारा चाहे लोग आज कितने भी मालामाल हो जाए, आज आशीष कौन सी है मालूम है? आत्मिक आशीष, प्रभु के साथ का जीवन, प्रभु की शांति, प्रभु की ओर से मिले हुए वो आत्मिक वरदानों का प्रभु के नाम, काम और सेवा के लिए हमारे जीवन से उपयोग होना, ये आत्मिक आशीष है। क्या आपके जीवन में है? क्या आप इसका अनुभव कर रहे हैं? क्या आज इन सारे आशीषों का जो प्रभु आपके ऊपर टारगेट कर रहा है, आपको लक्ष्य किया हुआ है, आपको देना चाहता है, आपको बुला रहा है, और इस आत्मिक आशीष जो स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में इफिसियों की पत्री 1:3 के अनुसार प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। यदि आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके अपने पाप को मान ले, अपने पाप से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु,
मेरा मुक्तिदाता करके अंगीकार करे तो ये आशीषें आज प्रभु आपको भी देता है। इसलिए लिखा है परंतु उसी की ओर से तुम। मेरे प्रियो, ये तो नैसर्गिक या शारीरिक मनुष्य थे, लेकिन आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण, पहला कुरिन्थी 2:15 में आप पढ़ेंगे, 16 में आप पढ़ेंगे, अब ये साधारण लोग नहीं है, अब ये प्रभु का मन पाए हुए, प्रभु के आत्मा की छाप लगी हुई, प्रभु के आशीषों का ये श्रोता और उपभोक्ता बने हुए हम पढ़ते हैं। प्रभु यही बात आपके जीवन में भी करना चाहता है। यदि मन फिराकर इस प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आज आपको बुला रहा है। लिखा है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, सुसमाचार सुनकर, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, अगर ये मन से आप विश्वास करें और यीशु मसीह को मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता करके अंगीकार करें, तो प्रभु ये आशीषें आपके जीवन में इसी वक्त देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसी वक्त वो अपने पवित्र आत्मा की मुहर इफिसियों की पत्री 1:13 के आधार पर लगा देता है। तब आत्मा हमारे अंदर आने के कारण, जो हम शारीरिक और नैसर्गिक या नेचुरल मैन थे, पुरुष थे, व्यक्ति थे, वो हम आत्मा की मुहर उद्धार के पश्चात लगने के बाद हम आत्मिक जन या स्पिरिचुअल मैन वुमन बन जाते हैं, और ऐसे स्पिरिचुअल या आत्मिक जन के ऊपर परमेश्वर की आशीष आज बनी रहती है। प्रभु ऐसे धर्मी जनों को, ऐसे आशीषित व्यक्ति को, आत्मिक जनों को अपने पास बुलाकर मालामाल करना चाहता है। इन आत्मिक आशीषों के बारे में मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अपने जीवन को जांच ले, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप ले। आज प्रभु आपको बुलाता है। लिखा है परंतु उसी की ओर से तुम। अगर कुरिन्थियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या जीवन था, क्या घिनौना जीवन था, क्या उनके स्वभाव थे, क्या उनके लक्षण थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में उनको क्या कहा गया है। दूसरा पद पढ़ता हूं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। पवित्र किए हुए, पवित्र होने के लिए बुलाए हुए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है संतगण बनाए हुए। You who are made saints, you are called holy ones of the Lord. प्रभु आपके मेरे पापों को धोकर उसका पवित्र जीवन हमें देना चाहता है। क्या आप प्रभु के पास आएंगे और ये आशीषों का श्रोता उपभोक्ता आप बनना चाहेंगे? आज प्रभु आपको बुलाता है, अपना जीवन प्रभु को दे दे। प्रभु ये समझने के लिए आपकी और हमारी सबकी सहायता करे। द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग, द सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग, उद्धार का स्रोत और उद्धार का श्रोता, ये दो बातें देखने के पश्चात और दो बातें हम अगली बार देखेंगे। द स्पीयर ऑफ द ब्लेसिंग इन क्राइस्ट जीसस, उद्धार का क्षेत्र मसीह यीशु में। चौथी बात द स्कोप ऑफ द ब्लेसिंग, या उद्धार के जो आशीष है उसकी व्यापकता, चार शब्दों में बताइए। अगली दो बातें हम अगली बार देखेंगे, तब तक प्रभु आप सबकी सहायता करें। आइए हमारे हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाए। हमारे महान स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के आधार पर हम सबको यह अवसर दिया कि हम आपके वाणी को सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रेरित पौलुस ने, जो कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखकर उनका ध्यान सारे परेशानी से प्रभु की ओर लगाया। आज हमारा ध्यान भी सारे परेशानी से प्रभु की ओर लगाए, ताकि प्रभु आपके आत्मिक आशीषों से हमारे श्रोतागण भी, हमारे दर्शक भी मालामाल हो जाए। यीशु मसीह में दिव्य आशीष, हम जैसे नाचीज इंसान को आज आप बुला रहा है। होने दे प्रभु, हर एक दर्शक आपको जानने वाले और आप में घमंड करने वाले, आपके उद्धार में इन आशीषों का अनुभव करते हुए आगे बढ़ने वाले बन पाए। आपके बहुतायत की आशीष हर एक के ऊपर हो। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर
8661 प्रभा देवी मुंबई 40025 प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें अपना नाम और पूरा पता तुरंत एसएमएस करें मोबाइल नंबर 09892580744 ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com वेब एड्रेस www.lwgb.org यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं धन्यवाद